कांग्रेस पार्टी ने जो प्रयास और पहल शुरू की है कि सभी विपक्ष के नेताओं से मिलना है, उनसे बात करना है और 2024 में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात हम शुरू से उद्धव ठाकरे साहब कहते आए हैं या और भी नेता कहते आए हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ये जो प्रयास शुरू किया है उसका हम स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई है। कल दिल्ली में सीनियर लीडर और भारत के सबसे बड़े नेता है शरद पवार साहब से भी राहुल जी और खड़गे साहब की बातचीत कल हो गई है, यह अच्छे संकेत है। उससे पहले मुंबई में उद्धव जी और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई है। मैंने आज ही पढ़ा है कि राहुल जी ममता बनर्जी को भी मिलने वाले हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमेशा दृष्टिकोण रहा है या षड्यंत्र रहा है कि कोई अपोजिशन एक साथ न मिले, एक साथ न रहे, ये भ्रम उनका टूटने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। सोमवार को 5 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर महासचिव वेणुगोपाल जी केसी वेणुगोपाल जी मुंबई में आ रहे हैं, उद्धव जी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उनके बाद मुझे लगता है कि एक मुलाकात खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के साथ भी हो सकती है। जब मैं दिल्ली में राहुल जी से मिला था, सोनिया मैडम भी थी वहाँ, तब हमने भी बातचीत की है और हमने भी उनको न्योता दिया है कि आपको मुंबई में आना है, मुंबई में आइए, महाराष्ट्र में आइए। राहुल गांधी जी लोकप्रिय नेता है, उनका संघर्ष तानाशाही के खिलाफ चल रहा है और लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हम सबका कर्तव्य बनता है जो हमारे कुछ मतभेद है, गिले शिकवे हैं, उनको दूर रखें और देश में जो परिवर्तन की आंधी चल रही है उसमें कोई अड़चने पैदा न करें। इसीलिए सभी विपक्षी नेता उनके साथ राहुल गांधी और खड़गे जी का जो डायलॉग चल रहा है वो बहुत ही आशादायक है। सर, उद्धव जी से कब उनकी मुलाकात होने की संभावना है? क्या कुछ जो है राहुल गांधी की तरफ से कन्वे किया गया है? देखिए, ये बात आपको धीरे धीरे समझ जाएगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खास करके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, मैं मानता हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उद्धव जी को मिलने के लिए केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, उस वक्त वो सब बातें तय हो जाएगी। सर, काल शरद पवार आणि काँग्रेसचे राहुल गांधी असेल किंवा खड़गे यांची बैठक झाली, एक मुलाखत झाली दिल्लीमध्ये, आणि असं देखील सांगितलं आहे की राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांची देखील एक बैठक होणार आहे येणाऱ्या काळामध्ये, कशा रीतीने आपण बघतोय याच्याकडे? पहा की या देशामधला प्रमुख विरोधी पक्ष, मग ते प्रादेशिक पक्ष असतील किंवा राष्ट्रीय पक्ष असतील, हे सगळे एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली 2024 दृष्टीने। ही अत्यंत आशादायी अशी गोष्ट आहे। काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली नितीश कुमारजी आणि तेजस्वी यादव यांची एक बैठक झाली। नितीश कुमारजी आणि तेजस्वी यादव राहुलजींना भेटले, खड़गेजींना भेटले, त्यानंतर काल दिल्लीमध्ये माननीय शरद पवारजी आणि राहुलजी आणि खड़गे साहेब भेटले, त्याच्या आधी मुंबईमध्ये माननीय उद्धव ठाकरे साहेब आणि शरद पवारांची भेट झाली। मला आजच समजलं आहे की राहुल गांधीजी हे ममता बॅनर्जी नाही भेटणार आहेत, या देशातल्या सगळ्या प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्यांना भेटून ते एकत्र येण्यासंदर्भात ते काम करत आहेत।
त्याच्यामध्ये आम्ही सुद्धा सहभागी आहोत. मी सांगतो तुम्हाला की महाराष्ट्रात काय होईल. महाराष्ट्रामध्ये मी 48 पैकी 40 जागा जिंकू लोकसभेच्या असं वातावरण. मी माझ्या अलीकडच्या भेटीमध्ये राहुलजींना मी भेटलो दिल्लीमध्ये, सोनिया गांधीसुद्धा तिकडे होत्या, तेव्हाही आमच्या याच्यावर चर्चा झाली या राज्यातल्या राजकीय वातावरणाविषयी. आणि तेव्हाही मी त्यांना सांगितलं होतं की आपण महाराष्ट्रात यायला हवं, आपण सगळ्यांनी एकत्र बसून चर्चा केली पाहिजे. सोमवारी संध्याकाळी काँग्रेसचे महासचिव हे मुंबईत येऊन उद्धव ठाकरे साहेबांना भेटणार आहेत मातोश्री. त्याआधी मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे अध्यक्ष यांचं आणि उद्धवजींचं दूरध्वनीवरून चर्चा झाली आणि आता वेणुगोपाल साहेब येत आहेत. त्या भेटीमध्ये बऱ्याच गोष्टी ठरतील भविष्यातल्या. राहुल गांधी येतील किंवा अजून काही कसं काय आपल्याला करायचं आहे किंवा काय चर्चा होईल. पण या देशामध्ये विरोधी पक्षांचं ऐक्य कधीच होणार नाही हा जो भ्रम आहे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा तो तुटून पडेल अशा प्रकारच्या क्रिया प्रक्रिया सुरू झालेल्या आहे. 2024 निवडणुकीमध्ये देशामध्ये 100% सत्ता परिवर्तन झालेलं असेल त्याची सुरुवात आहे. सर एक सवाल सर राष्ट्रीय स्तर पर है, लगातार जो एनकाउंटर हुआ अतीक अमित के बेटे का उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि फेक एनकाउंटर है, इसे जो है शिवसेना कैसे देखती है? बात ऐसी है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए, आपको पता होगा मुंबई के एनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे, लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में, ये समझना चाहिए. इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं. आतंकवादी हो तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा माफिया है जिसको समाज को खतरा है तो इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहते हैं. अगर लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो मुझे लगता है मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ कुछ सबूत लेकर न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया था. बाद में लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी उसमें से बहुत से लोग जेल में हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ. आप कहना चाह रहे हैं कि जो अतीक के एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले थे वो भी जेल जाएंगे, ये आपका इशारा? मैं ये नहीं बोलूंगा. उस राज्य की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर, वो देखने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के कानून मंत्री होंगे, वहाँ के गृह मंत्री होंगे, उसका पर मैं क्यों बात करूँ. लेकिन मैंने मुंबई की बात करी, मैं महाराष्ट्र की बात कर सकता हूँ. विपक्ष जो सवाल उठा रहे सर, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सर. देखिए उत्तर प्रदेश का विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो सिर्फ सवाल उठाकर नहीं चलेगा. आपके पास क्या सबूत है? जहाँ यहाँ कुछ लोग सबूत लेकर आ गए, उसके बाद न्यायालय ने निर्णय दिया है और हमारे बहुत से पुलिस अफसर जेल में गए उस वक्त और आज भी उसमें से कुछ लोग जेल में है.